अग्नि वीर रिक्रूटमेंट जो है वो टॉप न्यूज़ में चल रही है, तो क्यों ना हम लोग जो है आज अग्निवीर का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको पूरी डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। अग्निवीर जो रिक्रूटमेंट है इसका पूरा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। देखिए है क्या, ये कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करनी है, 4 स्टेजेस होंगी आप इसमें, जिसके लिए आप जिसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाएगा अग्निवीर में। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट है आपका, फिजिकल मेजरमेंट है, मेडिकल टेस्ट है, देन रिटन टेस्ट होगा आपका। अभी सब्जेक्ट कौन कौन से इसमें रह सकते हैं जो आपसे के लिए पूछ जाएंगे, इसमें आप जनरल नॉलेज हो सकती है आपकी, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई। तो चलिए हम लोग जो है इसको डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे। ये आपका इसका जो ड्यूरेशन रहने वाली है वो 4 साल की रहेगी आपकी ड्यूरेशन। जो भी अग्निपथ स्कीम के थ्रू बच्चे यहाँ पे भर्ती होंगे उन सब का जो ड्यूरेशन, सर्विस ड्यूरेशन है वो आपका 4 मंथ ही रहने वाला है, 4 ईयर सॉरी। सिलेबस अगर हम डिटेल में देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड इंडियन आर्मी करवा रही है, रिक्रूटमेंट 2022 कैटेगरी सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन मॉकिंग स्कीम 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है, देन नेगेटिव मार्किंग आप देख सकते हैं 0.5 की नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी इस बार। सिलेक्शन प्रोसेस में 4 स्टेज हैं आपकी, पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, देन फिजिकल मेजरमेंट होगा, देन मेडिकल होगा, और देन रिटर्न होगा आपका लास्ट में आपकी ऑफिशियल वेबसाइट। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पोस्ट के हिसाब से रहने वाले, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है आपकी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ आपकी जनरल ड्यूटी GD जो है, इंडियन आर्मी GD की बात करें, पासिंग मार्क्स इसमें आपको 35 चाहिए होंगे। 2 मार्क्स मिलेंगे आपको हर एक आपका जो राइट आंसर होगा, और आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.5 की होगी अगर आप कोई भी जो है गलत क्वेश्चन करते हैं, तो उसके लिए 0.5 आपके काट दिए जाएंगे। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है कि आपको जो क्वेश्चन आते हों वही क्वेश्चन करें आप, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा है। देन हम डिस्कस करेंगे अगर सिलेबस को, तो जनरल नॉलेज आपको 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, साइंस के 15 30 मार्क्स, मैथ के भी 15 होंगे ये भी 30 मार्क्स के, लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, टोटल आपके 50 क्वेश्चन हो गए और 100 मार्क्स आपके हो गए। ये GD का सिलेबस है दोस्तों। देन अगर हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी टेक्निकल का, तो ये पासिंग मार्क्स इसमें 80 हैं। अभी अगर इसमें देखें हम तो मार्क्स स्कीम है 4 मार्क्स, एक क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे इसमें, और नेगेटिव मार्किंग इसकी 1 मार्क्स की है, उसकी 0.5 की थी, उतने उसके नंबर भी कम थे, इसके 1 नंबर है नेगेटिव मार्किंग आपकी। इसमें आपको जनरल जो है वो 10 क्वेश्चन 40 नंबर के पूछे जाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का है इसमें, मैथ 15 60, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर के, देन केमिस्ट्री की बात करें तो ये भी 10 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर को, टोटल आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे और 200 नंबर का आपका एग्जाम यहाँ पे लिया जाएगा 200 का। देन क्लर्क की बात करें अगर हम, तो इसमें भी 80 मार्क्स हैं आपके, एक क्वेश्चन 4 नंबर का इसमें सेम, और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी सेम 1 नंबर की रहने वाली है। जनरल की बात करें तो सेम 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, साइंस की बात करें तो 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, मैथ के 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आपको आएंगे 20 मार्क्स के, देन इंग्लिश की बात करें तो 25 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के आपके, ये क्लियर का है, और टोटल आपके हो गए 50 क्वेश्चन और मार्क्स आपके हो गए 200। देन इंडियन आर्मी अग्निवीर सिलेबस, इसमें आपको मैं अगर सिलेबस वाइज अगर मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊं, जो भी आप एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, तो अग्निवीर जनरल रीजनिंग की बात करें इसमें नंबर आपको आ सकता है, रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस ये आपका डिटेल सिलेबस है, ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेजेस, देन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड हो गया, अल्फाबेट हो गया, अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया, सिचुएशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, एनालॉजी, डेटा सीक्वेंसी, क्लॉक, देन लॉजिकल स्टेटमेंट हो गया आपका, वीन डायग्राम आ सकती है आपको, पजल ये सारी चीज़ें जो आपको रीजनिंग में आ सकती हैं। देन अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो इसमें आपको देख सकते हैं आप स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, HCF प्रोबेबिलिटी, एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, देन स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया आपका, रेशो प्रोपोर्शन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मैथमेटिक्स में आने वाली हैं। देन अगर हम बात करें आपको जनरल नॉलेज की बात करें, तो इसमें एब्रीवेशन हो गया, साइंस इन्वेंशन डिस्कवरी जो हो रही है, करंट अफेयर आपको बहुत ज़रूरी है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, देन इकोनॉमिक न्यूज़, देन बैंकिंग न्यूज़ आपकी होगी, देन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया दैट इज़ पॉलिटी योर, देन ऑथर्स एंड बुक, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो आपको डिस्कस करनी है, सोलर सिस्टम वगैरह, ज्योग्राफी का हो गया। जनरल साइंस की अगर बात करें, तो इसमें आपको बायोलॉजी 10th और 12th की पढ़ लेनी है, केमिस्ट्री भी 10th 12th लेवल की ही होगी, और फिजिक्स भी आपकी 10th और 12th लेवल की ही रहने वाली है। तो ये आपका डिटेल सिलेबस जो है हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है।
तो अभी के लिए इतना ही, ओके एंड गुड बाय।